हाय गाइस, मैं हूं नंदनी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कुछ चीज़ें किचन के लिए मंगाई थी जो कि बहुत ही यूज़फुल लगी मुझे। तो बाकी आप वीडियो देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सभी प्रोडक्ट या तो अमेज़ॉन से हैं या फिर मीशो से हैं, लिंक या कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये कर्ड मेकर। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। घर में दही अगर आपके अच्छे से सेट नहीं हो रही है तो ये बहुत बहुत यूज़फुल आपके लिए रहेगा। नॉर्मली जैसे आप दही जमाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको दही इसमें जमाना है। ये इसके साथ ही आपको ये जार मिलेगा स्टील का, उसको आपको इस बॉक्स में रख देना है जो ये आपको राउंड मिल रहा है ना, और ये ऊपर से कैप लगानी है एंड इसके बाद आप इसको प्लग इन करेंगे और इसको 6 से 7 घंटे लगते हैं दही, मतलब इसमें बोला गया है कि 7-8 घंटे, लेकिन ना 5 घंटे में जम जाती है सही। और ये ना मैंने आपको अभी फ्रिज में रख कर नहीं दिखाया है, मतलब जस्ट जैसी सेट हुई है दही और उसके बाद मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दही सेट हुई है और इसको आप अगर फ्रिज में रख देंगे कुछ घंटों के लिए तो बिल्कुल जैसे बाहर बाज़ार की दही मिलती है ना, उससे भी अच्छी दही आपको घर पर मिल जाएगी। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई जो कि आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। ये बहुत सारे अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा इसका आप देख सकते हैं मटेरियल है और इसके हैंडल्स आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं। और ना जैसे एल्युमिनियम की और ये इस तरीके की जो कढ़ाइयाँ होती हैं नॉन स्टिक वगैरह वो सब ना ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो अब स्टील पर ही आ गई हूँ। मेरी कढ़ाई कुकर सब कुछ स्टील का है मेरे पास। सो ये कढ़ाई मैंने रिसेंटली मंगाई थी, मुझे बहुत सही लगी। तो अगर आप कुछ स्टील में ढूंढ रहे हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये 5 इस तरीके के जो क्या बोलते हैं इसको, भगोन, मैं तो भगोने बोलती हूँ बट आप बताइएगा आप इसको क्या बोलते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ में ना आपको 5 मिलेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइज, और आपको जैसे कुछ चीज़ें रखने करने के लिए ना ये मुझे बहुत सही प्रोडक्ट लगा। नेक्स्ट है ये चॉपर। मैंने इसके पहले भी एक पिजन का चॉपर था मेरे पास, काफ़ी टाइम चला लेकिन फिर वो ख़राब हो गया। ये वाला जो चॉपर मैंने मंगाया है ना गाइज़, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये एक तो थोड़ा बड़ा है साइज़ में, तो आराम से आपकी ज़्यादा सब्जियां भी आप इसमें डाल के काट सकते हो। साथ में इसका जो क्वालिटी है ना वो बहुत बहुत ही अच्छा है। इसके ब्लेड बहुत शार्प हैं, मेरा एक बार हाथ कट चुका है तो इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा। इसकी जो बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग एक्रेलिक की है, तो बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है और काफ़ी अच्छा है। और नीचे रबड़ दिया हुआ है ताकि जब आप चॉप करें तो ये ज़्यादा हिले डुले नहीं। और आप देख सकते हैं जितना भी आप इसको चॉप करना चाहें, मतलब जितना ज़्यादा आप इसको पीसना चाहें, महीन करना चाहें उतना कर सकते हैं। थोड़ा मोटे टुकड़े रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, बहुत इजीली काम हो जाता है इससे। जैसे उपमा उत्तपम इस तरीके की कोई चीज़ बनानी हो या कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स आपको चाहिए ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा, नेक्स्ट एक है ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। ये ना रोटी मेकर है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना तो उसके लिए काफ़ी सही रहता है। तो नीचे आप ये बिछा लीजिए, इसके ऊपर आप रोटी बेल लीजिए या इसके ऊपर अगर आप वो नॉर्मल अपना चकला वगैरह रख कर बेलना चाहें वो भी रख सकते हैं। उससे भी क्या होता है जो जैसे गंदगी फैल जाती है ना, तो एक तो वो नहीं फैलती है और इसके ऊपर ईजीली आपकी रोटी ना, बिगनर्स के लिए बहुत सही है ये। अच्छा, उसके बाद ये एक ना कवर है, लिड है, ये आपको इस तरीके से मिलेगा। जैसे कई बार फ्रिज में कुछ सामान रखना होता है उसके ऊपर ढक्कन नहीं मिल रहा या कई सब्जियाँ हम लेकर आते हैं तो वो हम चॉप करके रख देते हैं, तो उसके लिए ना बिल्कुल ये मुझे परफेक्ट लगा। ये आप देखिए, जो मैंने भी आपको स्टील के भगोने दिखाए थे ना उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। आपके और भी किसी स्क्वायर शेप के ऊपर भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड शेप के ऊपर ही होगा। और प्लस इसमें ना कई सारे थे, आई थिंक ये 7-8 ऐसे था शायद, 7 या 8 ऐसी करके कुछ था ये पीसेस। और आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे से क्यूट से भी हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो हर तरीके के बर्तनों के लिए ना बहुत ही सही है। तो किचन के लिए काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट मुझे वो लगा। नेक्स्ट है ये कॉर्नर स्टोरेज के लिए ना आपका काफ़ी जो ये रैक है मुझे काफ़ी सही लगा। इसमें आप जो मर्जी चाहे रख सकते हैं। मैंने तो ऊपर कुछ इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह रख दिए जो कि नॉर्मल डेली यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अगर सामने होते हैं ना तभी मैंने रात में भिगो देती हूँ सुबह के लिए, नहीं तो फिर रह ही जाता है, भूल जाती हूँ मैं, तो इसलिए मुझे ये चाहिए था। दूसरा, जैसे मेरे जो मग्स हैं, कप्स हैं, जो बड़े साइज़ के होते हैं ना वो रखने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। नीचे आप चाहे तो मसालेदानी वगैरह जो भी आपको मतलब हैंडी चाहिए ना सामान, उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, स्टील की थी। अच्छा, इसके बाद है ये एक आपका
डिश रैक है, मतलब जिसे धुले हुए बर्तन सुखाने करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्लास्टिक का है, 200-250 रुपये का है, ठीक है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज तो ये ठीक है। साथ में ये स्पून होल्डर भी आपको मिल रहा है, लेकिन ना ये मुझे काफ़ी छोटा लगा, तो मुझे मतलब मैंने इसको ये रिटर्न कराया क्योंकि मुझे ये छोटा लगा, मेरे बर्तनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज़फुल था। अगर आपके बर्तन मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। क्वालिटी भी ना इसकी सो लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं थी, मतलब ज़्यादा बर्तन रखे अगर आपने इसे उठा लिया तो शायद ये टूट भी जाएगा, तो इसलिए मुझे कुछ खास ये प्रोडक्ट नहीं लगा। अगर आप लेना चाहें, देखना चाहें तो लिंक तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, बट मेरे लिए ये प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं था। बाकी इसकी क्वालिटी सो थी, ठीक थी। और ये इसके साथ जैसे पानी निकलता है ना, तो उसके लिए नीचे ट्रे भी लगा रखी है, वैसे प्रोडक्ट अच्छा है बट मेरे लिए यूज़फुल नहीं था। नेक्स्ट है कि हॉट वाटर केटल, जो कि अब सर्दियों में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, अंडर 500 रुपीज़ है, आई थिंक 450 समथिंग का है, अभी सेल में शायद और सस्ता हो गया है। और इसको मुझे यूज़ करते हुए 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है, काफ़ी सही रहा। मैं इसमें ना जैसे वेजिटेबल्स वगैरह स्टीम करनी होती है ना, वो भी कर लेती हूँ, पानी वानी तो गर्म कर ही ले, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट रहेगा आपके किचन के लिए। सो ओके गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।